नमस्कार, मैं योगेंद्र जागड़ा। हमारे हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पहुंचा हूं नांगल मोहनपुर गांव, अटेली हल्के के नांगल मोहनपुर गांव में, और ये हमारे साथ ये लोग उपस्थित है गांव के। तो इनसे जानते हैं कि विधानसभा इलेक्शन होने वाले है, तो विधानसभा इलेक्शन में इनकी क्या राय है? भाई साहब राम राम। भाई, विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं अभी, तो एक तो मौजूदा सरकार जो बीजेपी की बनी हुई है, उनके कार्यों से आप खुश है या नहीं है? खुश तो नहीं नहीं है। क्यों, क्या ऐसा, मतलब कौन सा कार्य नहीं करा जिसकी वजह से आप खुश नहीं? बस यहाँ सरकार ने सड़क सड़क बनाई और कुछ नहीं करा। तो अब की बार कैंडिडेट कौन होना चाहिए, किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? कांग्रेस की सरकार देख। कांग्रेस की सरकार में कैंडिडेट कौन होना चाहिए, किसको मजबूत मानते हो आप? कैंडिडेट राहुल गांधी, अटेली हल्के से। अटेली हल्के, अटेली हल्का। अनिता यादव। अनिता यादव के अलावा और कोई कैंडिडेट? और सब नोइस, और सब ऐसे ही। आपका क्या, आपका कौन सा गाँव है? भाई ने बता दिया विचार। मैं विचार भाई के अलग है, आप तो बताओ कुछ। अनिता यादव के बारे में क्या रहे? अनिता यादव के बारे में क्यों, बीजेपी ने कार्य नहीं करवाए? नहीं, हम समझ में ना आया बीजेपी कौन सा कार्य, समझ में नहीं आया। भारत सारा बहुत बड़ी। अनिता, अनिता यादव ने पहले भी तो विधायक रही है, तो ऐसा क्या कार्य करवा दिया कि दोबारा आप अनिता को सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे है वैसे ही, जिस आदमी को जान पहचान उतनी अच्छी होती है। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, सबसे पहले सभी सुनने वालों को नमस्कार जी, आगे जोड़ के। ठीक है जी सर जी, ये है कि बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है ना, इसने विकास कार्य भी करवाए हैं, लोगों को नौकरियां भी दी हैं, लेकिन एक मतलब कि पक्षपात को छोड़ करके नौकरियां दी गई हैं। ठीक है, अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार अगर आगे बनाना चाहती है, तो इसमें सीएम का जो चेहरा है ना, वो देखो बीजेपी ने भी नॉनजाट का किया था, अब कांग्रेस भी अगर नॉनजाट पे ही करेगी तो कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे हलके में जो विधायक सीताराम जी रहे हैं, हमारे हलके में विकास हुए हैं, लेकिन विधायक की कोई बड़ी छाप नहीं रही है। अच्छा, हाँ। तो अब की बार कैंडिडेट कौन होना चाहिए, किसको मजबूत मानते हैं आप? सर जी, बीजेपी का तो कैंडिडेट का ये है कि पता नहीं किसको उतारे, क्योंकि सीताराम जी तो हमारे कभी सपने में भी नहीं थे। अच्छा। और फिर भी सीताराम जी आए, हम जानते भी नहीं थे, फिर भी लोगों ने उनको पसंद भी किया और उनको मतलब विधानसभा में पहुंचाया भी। अब अगर कांग्रेस की बात आती है, तो हम जो गांव में घूमते फिरते हैं, ठीक है जी, वहां पे हमें देखने को मिला है कि अगर राव नरेंद्र को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो बेहतर विकल्प हो सकता है। क्यों, राव नरेंद्र पहले नारनौल हल्के से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद अब नारनौल से जब दो बार हारने के बाद अब की बार अटेली की, अटेली में आ गए। अटेली उसका गृह क्षेत्र आया, अटेली के पास में जो लगते गांव है ना, जो अब अटेली विधानसभा में, वो उसका होल्ड है उन गांवों पे। अच्छा, हाँ। और अब भी डोर टू डोर होके, अभी पीछे घुड़ा गांव में आए थे, डोर टू डोर चल रहे हैं, वो उनका लड़का अलग चल रहा है, वो अलग चल रहे हैं, तो हो सकता है वो वैकल्पिक में मतलब कि कांग्रेस के अंदर एक उभरता हुआ सितारा हो सकते हैं इस अटेली विधानसभा के। अच्छा, ये तो आपका कांग्रेस का पोल हो गया, बीजेपी में नया चेहरा कोई आए वो एक बात अलग है, लेकिन अभी जितने भी चेहरे हैं उनमें सबसे मजबूत कैंडिडेट किसको मानते हैं आप? कौन, क्योंकि अब की बार वो हवा है नहीं कि कोई भी कैंडिडेट उठ जाएगा और जीत के आ जाएगा, तो मजबूत कैंडिडेट कौन मानते हो आप कि किसको टिकट मिल जाए तो वो सीट निकाल सकता है? देखो जी, मजबूत कैंडिडेट तो अगर कांग्रेस से नरेंद्र यादव आते हैं तो उनकी टक्कर में तो या तो आरती राव हो सकती है, या रामपुरा हाउस से कोई बंदा होगा तो ही वो टक्कर दे सकता है, अन्यथा नहीं देगी टक्कर। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या कहना है? मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल एक नंबर सहमत हूँ भाई साहब, यही विचार है अपने। कैंडिडेट कौन सा, किसको मजबूत मानते हैं? भाई साहब बता रहे, वो सही बता रहे हैं। तो भाई साहब ने तो अपना पोल दिया है, आपका क्या पोल है? कौन सी पार्टी का कैंडिडेट? भाई कांग्रेस से तो देखो अनिता की कह रहे हैं, बाकी हमारे विधायक सही है भाई सीताराम ना, कांग्रेस से तो अनिता ना, ये सही है हमारे विधायक। अच्छा, अनिता को सपोर्ट करते हो? हाँ। और भी टक्कर कौन दे सकता है, दूसरी पार्टी अगेंस्ट कौन हो सकता है? भाई लोकेश अथाई से फलाना आदमी ने टिकट मिल गई, बिना मेरे पास फिर भी अंदाजन की आपको लगता है कि इस कैंडिडेट को अगर टिकट मिले तो वो जीत फाइट दे सकते? ना भाई, नहीं बना सकते, नहीं ना। राम राम भाई, राम राम जी। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि अटेली हल्के के अंदर कौन कैंडिडेट है? जो है एक ही, अनिता है और कोई, अनिता के अलावा कोई कोई गुना नहीं। जब अगर अगेंस्ट पार्टी में किसको मजबूत मानते हैं आप?
अनीता तो मानते हैं भाई, अनीता तो कांग्रेस में हो गई, व्हाइट कौन सी पार्टी की, व्हाइट कोई खड़े हो तो बताओ अभी। फिर भी अंदाजन अभी फिलहाल जैसे जितने एक बाढ़ सी आई हुई है टेली हल्के में, ठीक है, कितने कैंडिडेट आ रखे हैं तो आ रखे जी, नाथ का नाम जाना दिन में 36 आई सी, बताओ क्या क्या नाम बताओ, किसी को नहीं जाना, हम तो कहने ना जाना, एक अनीता नीता नवरा गाँव से भी करता हूँ राम माँ किसी ने करे से दम मिलती जुलती रह सब मतलब जाना, हाँ तब राम राम तब। अब की बार किसका वोट दोगे, एक भाषा आपने तो काम करा बीजेपी ने अच्छा किया है, बढ़िया मानते हैं हम तो, हैं ठीक है, सब काम तो के लिए बराबर नहीं होता अपने आप तो। कौन सा काम बढ़िया बीजेपी सर, एक काम घटिया किया है इन्हें, क्या साल बच्चों करी नौकरी करी ना, ये इसने गलत काम किया है, और बीजेपी ने कोई गलत काम नहीं किया, और कोई गलत ना अपने लिए। कैंडिडेट कौन होना चाहिए, कैंडिडेट जो अब 53 है वोट तक रहे हैं, 53 हम नहीं जाए वो बाबा टिकट कहने में दे कहने में देगी, आपको क्या लगता है टिकट देगी वो तो पार्टी का काम रहेगा, आप मजबूत किसको मान, बीजेपी में कोई भी आ जाओ, मैं सीताराम ने कौन जाना था, आप देख लेना कोई भी कैंडिडेट आ जाएगा, कोई भी आएगा वही आएगा, आपका क्या कहना जी, वॉल्यूम दिक्कत सुन रहा, बोलना बोलना अच्छा रहेगा जी वही रहेगा। तो ये हम मौजूद थे अटेली हल्के के नांगल मोहनपुर गांव में, और यहाँ के लोगों का ओपिनियन कौन कैंडिडेट कौन सी पार्टी से जीत सकता है, आगे के दूसरे गांवों से सर्वे के लिए हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।